ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं जमात शुभम मजमून महारती मताला, और आज के सबक का उन्वान है हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी। तो आज इस सबक के हम सवाल व जवाब करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 20, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी। पहली हिदायत है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक जुमले में लिखो। पहला सवाल है, घर में तुम किस के साथ रहते हो? तो जवाब है, घर में हम अब्बू अम्मी के साथ रहते हैं। दूसरा सवाल है, हम अपने आप को कब महफूज महसूस करते हैं? जवाब है, हम अपने आप को लोगों की सोहबत में महफूज महसूस करते हैं। सवाल नंबर 3 है, हमें उसूलों की पाबंदी क्यों करना चाहिए? तो जवाब है, आपसी ताउन के लिए हमें उसूलों की पाबंदी करना चाहिए। दूसरी हिदायत है, खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखो। तो पहली खानापुरी है, इंसानों को डैश रहना पसंद है। तो इसमें जवाब क्या आएगा? ग्रोह, इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद है। दूसरी खानापुरी है, हमें इज्तिमाई ज़िंदगी में डैश मिलता है। जवाब क्या आएगा? सबका साथ, हमें इज्तिमाई ज़िंदगी में सबका साथ मिलता है। तीसरी खानापुरी है, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी डैश पर मुनहसर होती है। जवाब है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों। तो अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर मुनहसर होती है। अगली हिदायत देखते हैं, अगली हिदायत है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाओ। अब यहाँ पर ग्रो अलिफ है और ग्रो बे है, इसके अंदर ग्रो अलिफ में तीन जो है जोड़ी के लिए यहाँ पे जुमले दिए गए हैं। पहला है, अलिफ एक दूसरे की मदद करना। बे है, इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारने के लिए। और जीम है, खेल के उसूल सबके लिए। अब ग्रो बे में जो है इसके आगे के जुमले हैं, नंबर 1 उसूल ज़रूरी है, नंबर 2 यानी बाहमी ताउन, नंबर 3 उसूल कहलाते हैं, नंबर 4 यकसा होते हैं। तो अभी हमको जोड़ी लगाना है, अलीफ की जोड़ी, एक दूसरे की मदद करना। तो अब यहाँ पर चारों में से हमको किस पे जवाब लगाना, जोड़ी लगाना है, तो तीर का निशान से हम लगाएंगे इसकी जोड़ी, एक दूसरे की मदद करना। तो उसका निशान लग गया 2 पे, यानी बाहमी ताउन, एक दूसरे की मदद करना यानी बाहमी ताउन। अब बे की देखते हैं जोड़ी कहाँ लगेंगी, इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारने के लिए उसूल ज़रूरी है। इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारने के लिए उसूल ज़रूरी है। उसके बाद जीम देखते हैं, खेल के उसूल सबके लिए यकसा होते हैं। खेल के उसूल सबके लिए यकसा होते हैं। और ये जो तीसरा नंबर है, उसूल कहलाते हैं, ये हाँ एक जायद जो है लफ्ज़ दिया गया, एक जायद जुमला दिया गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो आप ये सवाल जवाब लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और अगर बेल आइकॉन नहीं दबाए तो उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, शाद रहो।